श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड मॉर्निंग आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस के जी। शिक्षक अभ्यर्थियों, आप लोगों ने आनंद फानन में बहुत तेजी से एग्जाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन इस बहाली के दरमियान बहुत सारे झंझावात आए। उसमें से अभी एक नया झंझावात ये आ चुका है कि बिना किसी रिजल्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को लेटर लिखकर इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अपने एम्प्लॉय को बाहर करने की मांग की थी। तो चेयरमैन सर का इसी रिगार्डिंग एक लेटेस्ट ट्वीट आया है, जिस ट्वीट को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग तो अब सब कुछ जानते ही हैं कि बीएड जो है, बीएड वाले को क्या है, डीएलएड में उसका सर्टिफिकेट चेंज करने का डेट दे दिया गया है, सारा नोटिस आ चुका है। देखिए अतुल बाबू का जो नया ट्वीट है और उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज जानेंगे। गवर्नमेंट डिस्प्यूट इट्स ऑफिसर एंड चेंज लेटर, ओके, इट डजंट कंसर्न अस टू ऑल बट ऑन द प्रीटेक्स एलिमेंट हु ट्राई टू गेट आवर TREDV कैंसिल्ड शुड ट्राई हार्डर। मतलब सीधा सीधा शब्दों में इन्होंने कहा है, जो कहा है नीचे है, सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है और बाद में बदलाव करती है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होता है, लेकिन इस बहाने जिन तत्वों ने हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा की DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रद्द करने की कोशिश की, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। माननीय अतुल प्रसाद जी ने डायरेक्ट ये ट्वीट किया है। आप देखिए ये ट्वीट जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये पत्रकांक है जिसके विभाग पे ये क्या हुआ, सारा कुछ आया है, पतंग बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा आया था सभी जिला पदाधिकारी बिहार को, कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थी को OMR सीट के स्क्रीनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को की गई प्रतिनियुक्ति को स्थगित करने के संबंध में उपयुक्त विषय में लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों को OMR सीट के स्क्रीनिंग हेतु बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों का सिवान सहित अन्य जिलों में बिहार लोक सेवा आयोग के प्रतिनियुक्ति की गई है। ध्यातव्य हो कि आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति से संबंधित है। शिक्षा विभाग के नियुक्ति से संबंधित होने के कारण शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति का कारण उचित नहीं है। मतलब क्या है कि आप शिक्षक बहाल कर रहे हैं और शिक्षक से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ये उचित नहीं है। ज्ञातव्य हो कि इन कार्यालयों के पत्रांक 2019 में इन्होंने कहा है कि क्या करना है, सबों को हटा देना। उक्त परिप्रेक्ष्य में ये पीछे ही न्यूज आया था, 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन ही आया था ये न्यूज, ओके। अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों को OMR सीट के स्क्रीनिंग हेतु बिहार शिक्षा के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के स्क्रीनिंग हेतु प्रतिनियुक्ति विनियमित किया जाए उपरोक्त। तो ये क्या है, लेटर आया था, ओके। अब ये लेटर के द्वारा ही क्या था कि जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट करने की मांग की गई थी बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा, लेकिन अब बीपीएससी चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी का ये ट्वीट आ गया है, सरकार अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है और मतलब बाद में बदलाव भी करती है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस बहाने जिन तत्वों ने हमें TREDV को रद्द करने की कोशिश की है उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। एक बात तो है कि DB बहुत अच्छे से हो रहा है और ये फाइनल DB है भी नहीं, इसके बाद एक और DB होगा, लेकिन हाँ सर, आयोग के पास एक और आपका डाटा पहुंच रहा है। साथ ही साथ साथियों, आप जानते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम नजदीक है और बिहार दरोगा जो है वो भी जल्द आने वाला है सितंबर तक में। तो बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल संपूर्ण बिहार का भूगोल कराया गया है ज्योग्राफी और बिहार मैप के द्वारा। आश्चर्यचकित होने के लिए एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। 10 से 11 मार्क बिहार ज्योग्राफी से बीपीएससी में आता है। वी थिंक ऑफिसर, हम लोग सिर्फ ऑफिसर सोचते हैं। आपका भाई सर्वेश 2 बार बिहार दरोगा पास। एक बार बीपीएससी पीटी पास के द्वारा इसको प्रेम से कराया जा रहा है, ओके। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 3 सितंबर को ही हमारे गरीब के चैनल को 2 लाख व्यू तक पहुंचाया। धन्यवाद, 2 लाख लोगों ने हमारे चैनल को देखा, इसके लिए उन सबों का दिल से धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। और आपको तो पता है कि अब बीएड वाले क्या हैं, बीएड बाहर हो चुके हैं, ऐसे में जो है
डीएलएड वालों का जो कटअप होगा वो मैं बता चुका हूँ पूरा डिटेल से, आप लोग को ये दिखाया भी था मैंने कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को नहीं कोई मान्यता वाले फैसले पर माने बिहार होके, तो कोर्ट के बाद एनसीटी ने भी गाइडलाइंस दे दिया है और अब आयोग ने भी बीपीएससी चेयरमैन सर ने भी डॉक्यूमेंट चेंज करने का डेट दे दिया है 9 से 11 दिसंबर के बीच। तो कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाइएगा वरना आप माध्यमिक में भी शिक्षक नहीं बन पाइएगा। अगर आप एक बार फर्जी में पकड़ाए जाते हैं अब 5 साल के लिए क्या किया जाएगा, 5 साल के लिए आपके आधार कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा बीपीएससी के वेबसाइट पे, फिर बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाले किसी भी एग्जाम में आप अपियर नहीं हो सकते हैं। अतः गलत तरीके से नौकरी लेने का प्रयास नहीं करना है, और अगर गलत तरीके से आप कर रहे हैं प्रयास तो जानिए हमारा क्या, हम तो बताना मेरा फर्ज है। ओके, ये अभी लेटेस्ट ट्वीट था बीपीएससी चेयरमैन का। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद एक और न्यूज है जो कि आपको हमने वहां नहीं लगा पाया, ये देख लीजिए, चलिए वहीं ले चलते हैं। देख रहे हैं ये क्या है आपका कि मुख्यमंत्री ने किया आमंत्रण, विभाग को तैयारी शुरू करने का दिया निर्देश, शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द, अक्टूबर नवंबर में आयोग का विज्ञापन आएगा और ये साफ है कि ये किसके आएगा, 6 to 8 का आएगा, ताकि जितने भी हमारे बीएड वाले भाई क्या है निराश है उनका कुछ हो सके, और साथ ही साथ एस्टेट तो हो ही रहा है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने का दिया टास्क, सीएम हाउस में हुई एक उच्च स्तरीय मीटिंग में शिक्षा विभाग के राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए टास्क दिया। इसके अलावा इस मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़े नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले हुई मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे उसके पालन के संदर्भ में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली। सूत्रों ने यह भी कहना है कि बैठक हाल ही में शिक्षा नियोजन में बीएड डिग्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अनौपचारिक चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सरकारी कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अगली बार 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में घोषणा कर दी थी। ओके, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दिया है। नीतीश जी G20 में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 समारोह में शामिल होंगे, इसके लिए शनिवार को दिल्ली पहुंचेंगे। समारोह में शिरकत करने के बाद अगले दिन मुख्यमंत्री पटना लौट आएंगे। मुख्यमंत्री आज गया में रहेंगे, पितृपक्ष मेले को लेकर बैठक करेंगे। ओके, तो राज्य में जल्द ही लगभग 1 लाख शिक्षक भर्ती की बहाली आने वाली है। आपको ये न्यूज मैंने पहले भी ब्रेक किया था, ओके, बहुत पहले भी, कि दिसंबर माह में होगी 1 लाख शिक्षकों की भर्ती, प्रोफेसर चंद्रशेखर महोदय ने कहा था। ओके, निरीक्षण सुधारात्मक होना चाहिए, दंडात्मक नहीं, क्योंकि पाठक के जो इंक्वायरी है उस पर भी कमेंट आया था। इन सबों को पढ़ते रहिए, और हाँ भाई एक बात याद रखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और ये जो है बिहार स्पेशल संपूर्ण बिहार का भूगोल जरूर देखिएगा, आगामी जो आपका क्या है, आगामी जो आपका एस्टेट है, और साथ ही साथ 1 to 6 to 8 का जो आ रहा है बीपीएससी टीचर की बहाली, उसमें भी ये बहुत कारगर साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। आप लोगों से ही हम हैं, हमसे आप नहीं है। तो वीडियो को देखिए, प्यार दीजिए अपना, धन्यवाद।